बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर वेल विशर्स, आपको बहुत मुबारक, जुम्मा मुबारक और बहुत सारी जॉब्स आ गई। आज का दिन अच्छा दिन आपके लिए साबित हुआ, तो जिस पोस्ट का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था उनमें असिस्टेंट SNGD की पोस्ट इज़ वन ऑफ देम, विच इज़ अ वेरी गुड जॉब फॉर द यंगस्टर। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है, सेकंड डिवीज़न मांगी गई है और इस पोस्ट में आपका जो टेस्ट है वो भी इतना मुश्किल नहीं है। GK 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो GK के हवाले से आप खूब जानते हैं, तो मैंने आपको ये गाइड करना है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। एक तो आपका प्रीवियस नॉलेज आपके काम आएगा मैट्रिक और इंटर का, और दूसरा जो अप टू डेट पेपर्स हैं वो काम आ जाएंगे, मॉडल पेपर्स, तो उनको भी सामने रखिए। और सबसे बड़ी पाक MCQ की जो वेबसाइट है उस पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जबकि करंट अफेयर के हवाले से आपको इन टच रहना पड़ेगा। उसमें वर्ल्ड टाइम वालों के भी मैगजीन हैं, उसमें इल्मी वालों के भी हैं, तो दूसरा इसके अलावा जो आपका सोर्स है TV या अखबार, उनका इस्तेमाल आपको करना है। तो अच्छी पोस्ट इसलिए है कि 10-12 साल के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हैं और वो आपकी आर्जू भी पूरी हो सकती है। तो काफ़ी सीटें हैं, 8 सीट्स हैं और इनमें माइनॉरिटी को अगर देखें तो 5 हैं, डिसेबल की 2 हैं, वुमेन की 2 हैं, तो आपने कम्पीट करना है, सब लोगों ने इस पर कम्पीट करना है और काफ़ी लोग जो है ओपन में आ जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर्स, दिस इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू गेट अ वेरी गुड जॉब। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इसका मेरिट आपको कम अज़ कम देर में 65 और 70 के दरमियान में रखना है, और मैं फिर बताऊंगा जो मेहनत करने वाले हैं वो इसमें कामयाब होंगे। उसमें वो लोग जो कि बेदिली से तैयारी करते हैं या तुक्के पे यकीन रखते हैं वो तैयार नहीं होंगे। लास्ट डेट आपकी 5/8 है और अप्लाई शुरू करें। इसी तरह फिर इसके अलावा जो अच्छी सीट्स हैं वो मेरे उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो कि अंडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज है, जिसमें कमिश्नर, DC ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, और इसमें कंसोलिडेशन, कच्ची आबादी और कलोनीज वाले जो दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक्सपीरियंस सिर्फ 3 साल मांगा है, ग्रेजुएशन मांगी है, उम्र की कोई कैद नज़र नहीं आ रही इधर, इसलिए आप इसके लिए तैयारी करें। तो इनके लिए भी बेहतरीन मौका है एक अच्छी सीट्स का, एक शॉर्टकट का। तो अगर ये अच्छी तरह तैयारी करते हैं, इसमें GK है लेकिन GK में आपको रेवेन्यू लॉ देखने पड़ेंगे, उसको अहमियत दीजिएगा। मैंने भी 3 किस्म के रेवेन्यू लॉ आपको बताए हैं बारह कि आप वो कर रहे हैं, तो इसी में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह भी देखेंगे और इस्लामिक लॉ भी देखेंगे जो कि रेवेन्यूज़ के हैं। तो बाकी वही चीज़ें जो कि पाक MCQ से आपको मिल जाएंगी, कारवान से मिल जाएंगी, उनकी एक अच्छी बुक निकलती है इस मौका पे वो भी, और वर्ड टाइम वाले भी निकालते हैं, तो उनको भी तैयारी करें। बाकी जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आपको पता है कि उसमें आपको TV से, न्यूज़पेपर से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। लकली आप कह लें कि ये नायब तहसीलदार की भी 42 तहसीलदार की हैं और उनमें फिर नायब तहसीलदार की भी 68 हैं, तो इतनी बड़ी सीट्स मेरे दोस्तों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो इसके लिए आगे बढ़ें, अप्लाई करें। तो तहसीलदार के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि उसमें आपके GK में रेवेन्यूज लाए, और इसके अलावा कंप्यूटर का जो बेसिक मैट्रिक का नॉलेज है, MS ऑफिस वगैरह, उसे आप देखते हैं, तो उसे अगर आप अच्छी तरह देख लेंगे तो तैयारी ठीक हो जाएगी। इसमें इसके अलावा जो है वो 30 नंबर का कंप्यूटर, 70% GK इंक्लूडिंग रेवेन्यू ला, और मेन फिर 25-25 नंबर के उर्दू एसेज हैं, उनके लिए अगर आप इंग्लिश एसे तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एसेज कारवान वालों ने भी प्रिंट किए हुए हैं, और
वर्ड टाइम वालों ने, इल्मी वालों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसी की बुक PMS के लेवल की और CSS के लेवल की प्रिंट की हैं। अगर आप उनमें से तैयारी कर ले या फिर ग्रेजुएशन लेवल की एक बहुत अच्छी कोई ग्रामर ले ले उसमें भी तैयारी कर सकते हैं। तो 25 नंबर के इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे भी 25 नंबर के ये जो बेहतरीन ऐसे थे ये मुनफरद उर्दू मज़ामीन है, ये कारवान वालों ने प्रिंट किए हैं। तो उनकी अगर ये बुक ले ली जाए तो इसमें भी आपके ऐसे अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो माय डियर वेलविशर, इसके अलावा और भी जॉब्स हैं जिनके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इन तीन जॉब के लिए। तो बाकी जो हम जिनका इंतज़ार हमें एजुकेटर का या लेक्चरर्स का, तो उसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह बारिश के कतरे की तरह वो भी आ जाएंगी और लेक्चरर भी आपको सरप्राइज देंगी, HMB SSB देंगे। तो बहुत सारी जॉब्स, अब ये जॉब्स हैं हिम्मत वालों की, जो लोग हिम्मत करेंगे वो कामयाब ठहरेंगे। तो बाकी लोग जो है, अगर मैं फिर कहूँगा कि मेहनत करने वाले आगे बढ़ेंगे। और आखिर में यही कहना है कि सबसे बड़ा असूल यही है कि आप कोशिश करें कि दिल आज़ारी ना करें किसी के, क्योंकि इसमें ये जो ज़िंदगी है वो बड़ी खूबसूरत गुजरेगी अगर आप प्यार मोहब्बत और दिल आज़ारी से बचें। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा कि मंदिर ढाल है, मस्जिद ढाल है, ढाल है जो कुछ ढहंदा, मंदिर ढाल है, मस्जिद ढाल है, ढाल है जो कुछ ढहंदा, एक बंदियां ना दिल ना ढावें, मेरा रब दिलां विच रहंदा। तो बाकी जो आप मर्जी करें लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं, इसी में इंशाल्लाह जो है वो हम सब की आफियत है। तो इनके लिए तैयारी करें, आगे बढ़ें, मैं इनकी रहनमाई आपको करता रहूँगा। ये खबर वायरल हो चुकी है मुझे मालूम है, लेकिन जब तक मेरे जो वेलविशर है उन्हें मेरा इंतज़ार रहता है, तो जुमा की नमाज के बाद मैं आपके सामने आ गया। जल्दी मैं नहीं आ सकता सम टाइम, उसके लिए माजत खाऊँ, क्योंकि और भी काम है दुनिया में मोहब्बत के सवाल, तो इसलिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और आप तक भी फिर दौड़ के हाथ लगाना पड़ता है कि कहीं रह ना जाऊँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा